हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि WhatsApp पर अपना फुल DP कैसे लगाते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिसे फॉलो करके आप भी अपने WhatsApp पे फुल DP लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में WhatsApp को ओपन कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ आपको ऊपर में 3 डॉट दिख रही होगी, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ अपने प्रोफाइल पिक पर क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पे दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब भी हम अपने WhatsApp में फुल फ़ोटो अपलोड करते हैं तो वो क्रॉप हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाली हूँ, उसे फॉलो करके आप भी अपने WhatsApp में फुल DP लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ कैमरा वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ अपने गैलरी को ओपन कर लेना है WhatsApp में। यहाँ पर एक फ़ोटो है मेरे पास दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा अपलोड नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्रॉप हो जा रहा है, या तो ऊपर का हिस्सा या फिर नीचे का। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको इस फोटो को पूरा DP पर लगा कर दिखाऊंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा ऐप को डाउनलोड करना है। तो उस ऐप का डाउनलोड लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, आप चाहे तो उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिटर का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ अलाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से परमिशन को अलाउ कर देना है, तो आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको वही वाली पिक को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप अपने WhatsApp के DP पे लगाना चाहते हैं। इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा स्क्रीन पर, आपको इस पर एक बार टैप कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा। अब फोटो पर जो बॉर्डर है, आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कलर वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ब्लर पे है तो यहाँ पे आप ब्लर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ब्लर और बॉर्डर देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद है आप उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो बॉर्डर पर आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं अपने पिक पे बॉर्डर को सेट कर देती हूँ। अब यहाँ पे सारे सेटिंग करने के बाद ऊपर में आपको पेंसिल का बटन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो दिखाई देगा, तो ऊपर में आपको डाउनलोड बटन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपका फ़ोटो आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। अब इस ऐप को आपको बंद कर देना है। फिर आपको WhatsApp को ओपन कर लेना है। फिर गैलरी में आ जाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं पुराना वाला पिक लेती हूँ तो ये क्रॉप हो जा रहा है, और जो पिक को हमने अभी एडिट किया है, उस पिक को अब मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फुल पिक आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पिक पहले फुल अपलोड नहीं हो रही थी, अब यहाँ पे फुल अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों, आप भी अपने WhatsApp में फुल DP को लगा सकते हैं। तो ये था दोस्तों, अपने WhatsApp में फुल DP लगाने का सिंपल सा प्रोसेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।